हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोग के लाई हूँ घर के ही रखे हुए सामान से, और बहुत इजीली ये बर्गर बन जाता है और इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा आता है। इसे आप तभी समझ पाएंगे जब आप खुद बना के घर पे ट्राई करेंगे। होप सो मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो इसे आप घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। आइए, इस बर्गर को मैंने किस किस इंग्रेडिएंट से मिलके बनाया है इसे हम देखते हैं। वेज आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम वेज टिक्की बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। ये 6 उबले आलू हैं, जिन्हें अच्छे तरीके से उबाल लिया है। इसमें हम इस टिक्की को हम हेल्दी बनाने के लिए इसमें कुछ वेजीज का यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक बाउल गाजर लिया है, इसे फाइनली चॉप कर लिया है। एक बाउल शिमला मिर्ची ली है, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया है। फ्रेश धनिया और फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्ची ली है। अब हम सबसे पहले सब्जियों को सॉटे करेंगे। स्टोव पे पैन रखने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड डालेंगे। इसके चटकने के बाद इसमें फाइनली चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और फाइनली चॉप किया हुआ गाजर, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्चें, इन सभी को डालकर इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत देर तक कुक नहीं करना है, हल्का सा सॉटे करना है, जिससे जो सब्जियां हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। आप चाहें तो इसमें और भी जो हरी सब्जियां हैं जो हेल्दी हैं उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बॉयल मटर का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम इतनी सब्जियां अवेलेबल थी, इसलिए मैंने यही यूज़ किया है। इसे हम ढक ढक के पकाएंगे, जिससे जो सब्जियां हैं वो जल्दी से कुक हो जाएंगी। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून भुने जीरे का पाउडर, इन सभी को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। जो हमने आलू को बॉईल किया है इसमें हम डायरेक्टली इसे यूज नहीं करने वाले हैं। इन सब्जियों को बनाने के बाद हम उसी आलू में सारी सब्जियों को मिला देंगे। तो जो नमक है इसमें आलू के हिसाब से इसमें ऐड करना है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक और ढक देंगे और अभी ये सब्जियां अच्छी तरीके से कुक हो गई हैं। हम इसे 4 से 5 मिनट ठंडा होने देंगे, जिससे जो वेजीज हैं वो अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। तो 5-7 मिनट लगेंगे और जो ये सब्जियां हैं अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएंगी, जिससे इसको मैश करना इजी हो जाएगा। अब हम इसमें फ्रेश चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इन सभी को डालने के बाद इसे हम मैश कर लेंगे। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको और नमक ऐड करना है तो आप यहीं पे नमक ऐड कर लीजिए। अब जो टिक्की के लिए हम आलू तैयार कर रहे हैं ये अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अब हम हाथ की एक सरफेस पे ऑयल लगाएंगे और इसको एक पेड़े का शेप देंगे। सबसे पहले इसके हम बॉल शेप बना लेंगे। जितना बड़ा हमारा बन है उसके हिसाब से आप चाहें तो टिक्की बना सकते हैं। इसे जो एडजस्ट करना होगा वो भी इजी हो जाएगा, तो हम इसी के हिसाब से टिक्की बनाएंगे। तो इसलिए मैंने इसके लिए इतनी बड़ी बॉल ली है। चाहे तो आप थोड़ी सी बड़ी सी और कर सकते हैं, तो इसे इसी तरीके से हमें बनाना है। सबसे पहले इस तरीके से इसका एक बॉल बना लेंगे और इसे प्रेस कर देंगे। टिक्की की जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा थिन या बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। एक मीडियम लेवल पर इसे हम रखेंगे क्योंकि हमें इसे शैलो फ्राई भी करना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट शैलो फ्राई से भी जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो ये देखिए जो इसकी टिक्की है बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं, ये बिल्कुल इसी शेप का है। तो इसी तरीके से हम अपनी टिक्कियों को बना के रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हमने टिक्की को बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसे शैलो फ्राई करते हैं। इस तरीके से हमने पैन लिया है, आप चाहे तो जो नॉर्मल तवा है उस पे भी सेक सकते हैं आराम से। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जब पैन अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम 1 by 1 इन टिक्कियों को इस पे डाल देंगे। आप चाहें तो जो ये टिक्कियां हैं इसे देसी घी में भी सेक सकते हैं, इससे जो इसका फ्लेवर है वही बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से
ये साइड में ऑयल चला गया है, इसलिए इसे प्रेस करते हुए इससे हम सेंटर में ले आएंगे और इन टिक्कियों को रेड होने तक सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और जब ये एक तरफ से गोल्डन कलर की हो जाएंगी तब हम इसे टर्न करेंगे। तो अब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। तो उसे इस तरीके से हम पलट देंगे सारी टिक्कियों को। आप चाहे तो इसमें एक चम्मच ऑयल और डाल सकते हैं, मेरे तवे पे साइड में ही ऑयल है इसलिए मैं वहीं से इसे रिमूव कर लेती हूँ और इसे सेंटर में ले आऊंगी इसी तरीके से, क्योंकि मैं इसे कम तेल में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। अब जो ये टिक्की है दोनों साइड से अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है, मैं इसे सेकेंड साइड भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये सेकेंड साइड भी इसकी अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरीके से प्लेट में निकालने के बाद हम बर्गर बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये सैलेड चाहिए जिसमें खीरा है जिसे मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है, एक टमाटो लिया है इसे भी स्लाइसली कट कर लिया है और दो अनियन लिए हैं इसे भी स्लाइसली सर्कल में कट कर लिया है। तो इसे हम साइड कर लेते हैं। ये नॉर्मल हरी चटनी है जो लहसुन धनिया और हरी मिर्च डाल के बनाई है, तो इसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे उसका फ्लेवर है वो टैंगी फ्लेवर आएगा। बैच मेयोनीज में ऐड करने वाले हैं तो इसे भी हम ले लेते हैं अपने साथ में, इससे जो उसका टेस्ट है वो रियल में वेज बर्गर जैसा ही आएगा। सबसे पहले ये हमने बर्गर बन लिया है इसे हम बीच से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसे हमने कट कर लिया है। अब जो नीचे की सरफेस है सबसे पहले हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो जो हमने हरी चटनी लगाई है सबसे पहले हम इसे डालेंगे। तो अगर आपको तीखा बहुत अच्छा लगता है या पसंद करते हैं तो इसे भर भर के लगाइए, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। और जिसकी टॉप सरफेस है इस पे भी हम ग्रीन चटनी को लगा देंगे। इसे लगाने के बाद टमाटर केचप भी इस पे डाल देंगे और इसे भी स्प्रेड आउट कर देंगे। अब जो वेज टिक्की हमने बनाई थी इसे इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए बिल्कुल साइज की टिक्की बनी है ना एकदम। तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से बिल्कुल साइज की बना सकते हैं जिससे आपको प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा और हर एक बाइट में आपको इस टिक्की का फ्लेवर जरूर आएगा। इसके बाद इसमें हम ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे। तो आप चाहें तो इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसके टॉप साइड पे भी स्प्रिंकल कर देती हूँ। एक पिंच नमक इसमें ऐड कर देंगे जिससे जो बर्गर बन है वो नॉन सॉल्टी ना लगे। जो सैलेड हमने लिया है इसे हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इसे आप जैसे मन चाहे, अगर खीरा पहले रखना चाहते हैं तो आप खीरा रख लीजिए, अगर अनियन रखना चाहते हैं तो आप अनियन रख लीजिए, अगर टमाटो है तो टमाटो, डिपेंड्स अपॉन ऑन योर विश। तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर अनियन रख के जो फाइनल इसका हमें टच देना है तो जो मेयोनी है इसे हम इस पे डाल देंगे। तो मुझे तो मेयोनी बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं इसे अच्छे से स्प्रेड आउट करती हूँ, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी जो बर्गर है बनके बिल्कुल तैयार है। ये मैकडी जैसा बर्गर तो नहीं पर हाँ उससे कम भी नहीं लगेगा। एक बार आप इसे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और जो ये मैंने बर्गर बना के रेडी किया है ये आप इसे बहुत लाइक करेंगे। देखिए ये बर्गर बन बल्कि बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे एंजॉय करिए और अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।